हेलो फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि भाई जब हम सर बैंक में या एसएससी में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक समस्या आती है कि कई बार 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट के साथ करना पड़ता है या 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट के साथ करना पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है और जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन होता है उसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसका कोई तरीका है क्या? तो आइए देखते हैं, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने की एक शॉर्ट ट्रिक है जो 7 स्टेप्स लेगी पर आपको एक लाइन में आंसर दे देगी। कई बार ऐसा होगा कि आप अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा, एडिशन करना पड़ेगा, पर आपका रिजल्ट हो सकता है कि गलत आए क्योंकि उतने एडिशन करने में आपको गलती हो जाएगी। इस मेथड में भी एडिशन करना होगा आपको, पर उतना ज़्यादा नहीं करना होगा, ये आपको सिंप्लिसिटी के साथ आंसर दे देगा। देखिए, पहली स्टेप में यहाँ से 1st डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, 2nd स्टेप में इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐड करेंगे, कैरी आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसमें इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसका, इसमें इसका, इसमें इसका, और इनको ऐड करके कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 4th स्टेप में इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, कैरी आगे वाली स्टेप में फॉरवर्ड होगा, अब कैरी यहाँ आ जाएगा। अब हम इस स्टेप में आखिरी के दोनों ये जो नंबर हैं इनको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसमें का इसमें करेंगे, सबको ऐड करेंगे, कैरी आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी आगे फॉरवर्ड करेंगे और आखिरी में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, पहली स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई, लास्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें आखिरी के 2 का, इसमें इधर के 2 का, इसमें आखिरी के 3 के साथ जो ऑपरेशन, वही इसमें इन तीनों के साथ वही ऑपरेशन, और ये बीच वाले स्टेप सभी में क्या है? कॉमन है। इसलिए इसमें कितनी स्टेप्स होती हैं? 7 स्टेप्स होती हैं। अगर यहाँ 4 डिजिट और 4 डिजिट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट और 4 डिजिट हैं तो आगे एक 0 लगा दीजिए, ये ऊपर वाले डिजिट 4 डिजिट बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 6 * 3 = 18 का लिखेंगे 8, कैरी आएगा 1, उसको हम लिख देंगे साइड में। अब क्या करेंगे, 4 * 3 = 12, 6 * 4 = 24, 12 और 24 कितने हो जाएंगे, 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37, 37 का आएगा 7 और कैरी कितना आ जाएगा, 3, इस बार कैरी 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 * 3 = 9, 6 * 2 = 12। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखने में दिक्कत हो सकती है, तो एक इस स्टेप को लिख भी सकते हैं, तो 3 * 3 = 9, तो मैंने यहाँ लिख लिया 9, फिर ये हो गया हमारा काम, 6 * 2 = 12, इस स्टेप में 12, फिर 4 * 4 = 16, तो ये यहाँ से आ गया 16, और 3 ऊपर से कैरी है, इन सबको जोड़ दीजिए, 9 और 3 = 12 और 2 = 14 और 6 = 20 की 6 हासिल आए 2, तो ये 20 की 0 सॉरी हासिल आए 2, तो ये बन गया 40, तो 40 का 0 कैरी आएगा 4, अब नया कैरी आया तो यहाँ लिख लीजिए 4। अब अगली स्टेप, ये सबसे कॉमन और सबसे बड़ी स्टेप, 3 * 2 = 6, 6 * 1 = 6, तो 6 और 6 = 12, फिर 4 * 3 = 12, तो 12 * 12 = 24, 4 * 2 = 8, ठीक है, तो 24 और 8 = 32, 32 और 4 = 36, कैरी फिर से 3 आया, तो फिर से यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब इसका काम हो चुका है। अब देखिए, अब क्या करना है, आपको इन दोनों को छोड़ देना है, इसका काम खत्म हो गया। अब 4 * 2 = 8, 4 * 1 = 4, तो 8 और 4 = 12, 8 और 4 = 12, और 3 * 2 = 6, 12 और 6 = 18, 18 और 3 कैरी 21, 21 का 1 हासिल आया 2, अब क्या करेंगे, कैरी को 2 ले लेंगे। अब इसका काम भी खत्म हो गया है, इसको भी छोड़ दीजिए, अब इन दोनों का काम बचा है, 2 * 2 = 4, 3 * 1 = 3, 4 और 3 = 7, 7 और 2 = 9, तो यहाँ आएगा 9, अब कोई कैरी नहीं आया, इसका काम भी खत्म हो गया, कैरी कैंसिल कर दीजिए, 2 * 2 = 2, लास्ट में 2 * 2 = 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो ये आ गया आपका आंसर जो कि एक लाइन में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेथड समझ में आया होगा, थोड़ा सा नया सीखते हैं, जब भी दिमाग पे थोड़ा लोड आता है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप यकीन मानिए इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और अब इसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।